ऐ वतन की रेत एड़िया रगड़ने दे, ऐ वतन की रेत एड़िया रगड़ने दे, पानी क्रीमी लेयर EWS कोटा रोस्टर। ये हमारे हक और अधिकार की लड़ाई नहीं, ये हमारे देश की एकता और अखंडता की ही लड़ाई। नमस्कार, गुड इवनिंग। इस सभागार में बैठे हुए सभी सामाजिक योद्धा और जागरूक नागरिकों को मेरा हार्दिक अभिवादन। मुझे प्राइवेट सेक्टर के रिजर्वेशन पर अपने विचार रखने हैं। इससे पहले कि मैं अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाऊं, मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कंक्लूडिंग रिमार्क्स, यानी जब संविधान 25 नवंबर 1949 को एक स्पीच, एक यादगार स्पीच दी थी, उसको मेंशन करना इसलिए जरूरी है, किसी भी सब्जेक्ट पर आप उसका जिस्ट, वो एक पूरी है, भविष्य में क्या होगा वो उसकी आत्मा है। तो 1950 में 26 नवंबर हम संविधान दिवस मनाते हैं, 25 नवंबर को जैसा कि मैंने कहा कि एक विस्तृत स्पीच थी और उस पर उनकी बहुत ही आलोचना हुई कि इतना 3 साल ले लिया और इतना पैसा बर्बाद किया। तो लेकिन उसमें से एक जो रिमार्क है, उन्होंने कहा था कि हमें पॉलिटिकल आजादी तो मिल गई, मीन्स वन मैन वन वोट का सिद्धांत, बट विद द कॉन्स्टिट्यूशन वी आर एंटरिंग इनटू एन एरा ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। ये कॉन्ट्रडिक्शन क्या था? वी विल नॉट गेट इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस। इसके लिए हमें बहुत लंबी लड़ाई लड़नी होगी। तो ये इसकी पेशनगोई उन्होंने बहुत पहले कर दी थी। तो सबसे पहले कि ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में रिजर्वेशन इतना इम्पोर्टेंट मुद्दा क्यों है, इसको हमें अच्छी तरह से अपने विश्वास में लाना होगा कि हाँ, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है। जो बात डॉक्टर अंबेडकर ने कही थी उसको प्रैक्टिकली मैं कई तरह से बता सकता हूं। देखिए, किसी भी परिवार में अगर परिवार का मुखिया अनदेखी कर दे और फैमिली के मेंबर्स के बीच असमानता हो, शोषण हो, अगर वो खुद कर रहा हो, तो परिवार कभी गठन नहीं हो सकता, उसका टूटना निश्चित है। दूसरी बात, अगर हम देशों की बात करते हैं तो जहां भी अपने ही देश में अपने ही नागरिकों से एक भेदभाव हुआ है, असमानता का व्यवहार हुआ है, वहां देश भी टूटे हैं। जैसे बांग्लादेश इसका ज्वलंत उदाहरण है, वेस्ट पंजाब के लोगों ने इस बंगाल, वहां पर वो बांग्लादेश में वहां उनके साथ अन्याय हुआ और ये देश पाकिस्तान 2 हिस्सों में विभाजित हो गया। तीसरा मैं एग्जाम्पल खेल के मैदान में से लेता हूं। जब भी कोई लंबी रेस होती है तो आपने देखा होगा कि बैक लाइन में सबका स्टार्ट अलग होता है। और चौथा एग्जाम्पल अगर मैं साइंस से लूं तो कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट इज द मोस्ट स्टेबल स्टेट। साम्यवस्था ही किसी भी सिस्टम की एक परमानेंट स्टेट होती है। तो जब भी अगर असमानता होगी वो एक इक्विलिब्रियम स्टेट
नहीं है। तो ये नेचर का एक नियम है, उसको इक्विलिब्रियम स्टेट में लाना ही होगा। तो इस तरह से ये हमारे हक और अधिकार की लड़ाई नहीं, ये हमारे देश की एकता और अखंडता की भी लड़ाई है, जैसा कि मैंने कहा। अब इसमें होता यह है कि जब भी अच्छा जहां गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशंस की बात है, वो कुल जीडीपी का 3% है, और उसमें भी आप देख रहे हैं क्रीमी लेयर, ईडब्ल्यूएस कोटा, रोस्टर सिस्टम को लागू करके इसको डाइल्यूट किया जा रहा है। और जब भी हम इस विषय में कोई डिस्कशन या डिबेट शुरू करते हैं, तो जो विरोधी लोग हैं वो ट्रोल करना शुरू कर देते हैं, ये देखो ये हमारे इनकम टैक्स का पैसा जो है कि ये लेने की ले लिया और अभी और लेने की कोशिश कर रहे हैं। सो उनकी ट्रोल आर्मी शुरू हो जाती है। भारत ही एक ऐसा देश है जहां पर ये हो रहा है, विदेशों में तो ऐसा कुछ नहीं। तो इस वजह से आपको ये जानने के लिए अपने ऊपर कॉन्फिडेंस और सब्जेक्ट को अच्छी तरह से जानने के लिए, तो सबसे विकसित देश मैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की ही बात कर देता हूं। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में भी लोगों ने तरह तरह से इसके लिए अलग तरीके से लड़ाइयां लड़ी है, तो हम आगे कुछ बात करें। इसमें हमें तीन टर्म को समझ लेना चाहिए जिसका कि बार बार उल्लेख होगा। वन इज अफर्मेटिव एक्शन, दूसरा है एक्सक्यूटिव ऑर्डर बाय द प्रेसिडेंट, मैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात कर रहा हूँ, और तीसरा है फेडरल फंड। मतलब इसका कि अगर हम हिंदी अनुवाद करें तो वो एक ठीक से नहीं होगा, वो भद्दा होगा। तो इसलिए हम ये बताते हैं अफर्मेटिव एक्शन का आप सिंपल वे में ये कर सकते हैं कि दिस इज रिगार्डिंग रिजर्वेशन, जो यहाँ रिजर्वेशन की बात है वहां पर उसको अफर्मेटिव एक्शन। दूसरा है एक्सक्यूटिव ऑर्डर बाय द प्रेसिडेंट। तो इसकी बात इसलिए हो रही है कि समय समय पर वहां पर एक्सक्यूटिव ऑर्डर अफर्मेटिव एक्शन को लागू करने के लिए इश्यू किए गए हैं। सो एक्सक्यूटिव ऑर्डर बाय प्रेसिडेंट ये एक लीगल मैंडेट है। अगर एक्सक्यूटिव ऑर्डर इश्यू होता है तो इसको अमेरिकन पार्लियामेंट में पास करने की कांग्रेस में कोई जरूरत नहीं है। तीसरा फेडरल फंड यानी गवर्नमेंट का जो टोटल ट्रेजरी होता है, जो टैक्स का पैसा है और जो फाइन है, जो डिफरेंट मत से आते हैं, वो उसको हम फेडरल फंड बोलते हैं। तो अब वहां पर देखिए क्या हुआ। तो एक्सक्यूटिव ऑर्डर क्या है, इट इज अ डायरेक्टिव बाय द प्रेसिडेंट। इसकी शुरुआत यूएसए में 1960 में सिविल राइट मूवमेंट से हुई थी, जिसमें मांग की गई थी कि अफ्रीकन अमेरिकन में जो रेशियल सेग्रीगेशन है, जो पक्षपात है, उसको समाप्त किया जाए। इसके लिए जॉन एफ कैनेडी ने 1961 में एक एक्सक्यूटिव ऑर्डर पास किया था, जिसमें कहा गया था कि गवर्नमेंट के जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसमें अफर्मेटिव एक्शन का मतलब क्या हुआ कि रिजर्वेशन लागू होगा और इसके लिए एक प्लान सुनिश्चित किया। फिर 1964 में सिविल राइट्स एक्ट के तहत जो भी डिस्क्रिमिनेशन है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन एंड सेक्स, उसको खत्म किया गया। और इसके लिए फेडरल जो भी इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं वहां पर फेडरल फंड का डिस्ट्रीब्यूशन उनको नहीं होगा। और बहुत इसके लिए जो ऑर्गेनाइजेशन 50 से ज्यादा एम्प्लाई और जिनकी आय $50,000 यानी अप्रोक्सीमेटली 40 लाख से ज्यादा है, उनको कॉन्ट्रैक्ट में अफर्मेटिव एक्शन लाना होगा। और ये कंटिन्यू रहा 1969 का फिलाडेल्फिया प्लान, वो भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से इसको दर्शाता है कि वहां पर कॉन्ट्रैक्ट और गवर्नमेंट से रिलेटेड
जो भी जहां भी जो खर्च हो रहा है उसमें रिजर्वेशन जरूरी है। 1971 में माइनॉरिटी बिजनेस इंटरप्राइज में के लिए ये कहा गया कि गवर्नमेंट इनको एडिशनल टेक्निकल नो हाउ और मैनेजरियल सपोर्ट दे ताकि ये बराबर हो सके। हालांकि इसकी शुरुआत बहुत पहले से हुई है, जो मालूम है कि आपको जो बस में लोगों ने जब उनके साथ भेदभाव हुआ तो लोग पैदल चलना शुरू किया, एक साल तक बस का बायकॉट किया। अच्छा, ये अमेरिका ही नहीं, तो हम उसको और डिटेल में नहीं, हम उसको शॉर्ट में करके कुछ सुझाव ये देंगे। और दूसरे कंट्रीज हैं, दूसरे कंट्रीज साउथ अफ्रीका में ब्लैक इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के जरिए सोशल इकोनॉमिक इक्वलिटी, दूसरा मलेशिया है, मलेशिया में रूम विद पॉलिसी, ब्राजील में कोटा फॉर एफ्रो ब्राजीलियन एंड इंडिजिनस पीपल, नॉर्वे में ये है, जर्मनी में डायवर्सिटी चार्टर एंड वॉलंटरी इनिशिएटिव। तो यहाँ अमेरिका के अलावा इतने सारे देशों में प्राइवेट सेक्टर में गवर्नमेंट के हर उसमें ये चीज लागू है। अच्छा, अब पब्लिक कॉन्ट्रैक्ट जो है इसमें 60 लाख करोड़ पर ईयर का गवर्नमेंट का खर्च होता है और इसमें 95% जो है नॉन बाउजन का कब्जा है, 5% ही कॉन्ट्रैक्ट हमारे हाथ में है। SC ST SEBC सोशल इकोनॉमिक एम्पावरमेंट क्लास इंटरप्राइज को कुछ नहीं मिलता। बड़े कॉन्ट्रैक्ट में भी और सर्विस सेक्टर में भी बहुत बड़ी इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है। तो इसके लिए हम लोग क्रिकेट ट्रोल तो होंगे, लेकिन इसके लिए हमें काम करना होगा। मैं लास्ट में मतलब कि कुछ सुझाव हम लोगों ने यहाँ पर निकाले हैं और आप इसको विस्तार कर सकते हैं, इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, ये बहुत जरूरी है क्योंकि जो सर्विस में जो एम्प्लॉयमेंट में है वो लेस देन 3% GDP है, उसको भी डाइल्यूट कर दिया है। तो हमें ये प्राइवेट सेक्टर में पूरे संसाधन में हमें भागीदारी चाहिए। पहला ये है कि 3 से 5 साल का एक प्लान डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन को फर्म को सबमिट करना चाहिए कि वो रिजर्वेशन के लिए उनकी क्या प्लानिंग है, अफर्मेटिव एक्शन के लिए उनकी क्या प्लानिंग है। दूसरा, फर्म्स विद मोर देन 100 एम्प्लॉई जिनका टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है और 100 एम्प्लॉई से ज्यादा वहां पर काम करता है, अफर्मेटिव एक्शन रिजर्वेशन वहां लागू होना चाहिए। इंडस्ट्रीज में हमें लैंड और स्पेशल इकोनॉमिक जोन में भी हमारा रिजर्वेशन होना चाहिए। प्राइवेट कॉलेज यूनिवर्सिटी एंड हॉस्पिटल्स को कंसेशनल रेट पर हमें जमीन मुहैया करानी चाहिए और कॉन्ट्रैक्ट और सब कॉन्ट्रैक्ट में एक नियोजित तरीके से हमें उसका एक हिस्सा मिलना चाहिए। तो इसके देखिए कहीं भी है, देखिए अब वो समाज बहुत पहले की बात है जब कार्ल मार्क्स ने कहा था पावर कम्स फ्रॉम बैरल ऑफ गन। अब हम समाज में इतने विकसित हो चुके हैं, हमें इस तरह का प्रोविजन करना चाहिए कि उसकी वो जरूरत उसको निकाल देनी चाहिए और गवर्नमेंट या जो मुखिया है उसको भी ये बात समझनी चाहिए। तो हमें डिफरेंट प्लेटफॉर्म इन शब्दों के साथ मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, कठिन मेहनत, दूर दृष्टि, पक्का इरादा देकर अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हम आगे बढ़ते रहें। अंत में एक शेर का, पूरा शेर तो नहीं, एक छोटा सा टुकड़ा, एक लाइन, ऐ वतन की रेत एड़ियां रगड़ने दे, ऐ वतन की रेत एड़ियां रगड़ने दे, पानी